नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ये लाइट है और ये लाइट में दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये स्विच ख़राब है। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये स्विच जो है पहले ख़राब है, कुछ वायरिंग वगैरह भी टूटा हुआ है। तो दोस्तों, इस लाइट के बारे में और इस डीसी लाइट कोई भी हो दोस्तों, किसी भी तरह का डीसी लाइट हो, उस लाइट के बारे में डीपली नॉलेज आपको दूंगा, कैसे क्या करें नहीं करें। और ये स्विच अगर ख़राब है दोस्तों, ये रोटरी स्विच है दोस्तों ये, तो दोस्तों अगर इसका ये स्विच दोस्तों ये ख़राब है, तो इसकी जगह जो है हम कोई भी स्विच लगा सकते हैं, जैसे इस टाइप का वॉल्यूम, जैसे रेडियो में वॉल्यूम वगैरह लगता है दोस्तों, तो उसकी जगह ये कैसे लगाएं तो ये भी बताऊंगा दोस्तों। और बताऊंगा कि मतलब ये वायरिंग जो है अगर कुछ भी कहीं से भी टूट जाता है तो उसको कहाँ पर जोड़ें, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियो जो है दोस्तों इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो ख़राब है दोस्तों, सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका नोब खोल दिया मैंने और इसका जो है दोस्तों ये खोलना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों खोल दिया मैंने और ये स्विच भी ठीक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे हम ठीक करेंगे ना दोस्तों, इसके जगह हम अगर बोलें तो वो ही लगा के दिखा दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों ये जो है आपका, ये आपका आराम से ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए दोस्तों, इसके जगह जो है हम वो वॉल्यूम जो दोस्तों कैसे लगाएंगे थोड़ा सा आप जान लें। और ये बैटरी का भी तार टूटा हुआ है दोस्तों, देखो दोस्तों, इसमें बेसिकली बीमारी क्या आता है दोस्तों, ये समय इसके बारे में थोड़ा बताए थे दोस्तों। आपका ये जो है दोस्तों पत्ती जो है दोस्तों, ये पत्ती में गंदा लग जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर इससे नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ नहीं तो यहाँ पे गंदा लग जाता है दोस्तों। बस इसको जो दोस्तों इसे थोड़ा साफ़ कर लो आप, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, खुद से आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको तो नया लगाना ही पड़ेगा। अगर ये इस तरह का होता है दोस्तों तो खोल के आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दो को तो सिर्फ नट रहता है, इस जगह दो को नट रहता है, दो नट आप लगा देंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, हम लगाने का इसका इसके इसमें जो दोस्तों लगाने के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले दोस्तों इसको जो दोस्तों ये जो डायोड से आया दोस्तों, ये चार्जिंग पिन से जो आया दोस्तों, ये डायोड से आया है ये चार्जिंग पिन में, तो यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों आप वॉल्यूम का ऊपर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों स्विचिंग भी नहीं करना है, ताकि स्विच को ऑफ करें तो दोस्तों ये लाइट बंद हो जाए, है ना। तो दोस्तों इसमें थोड़ा शोल्डर सही से लगेगा ताकि छूटे नहीं दोस्तों। ये हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक तार जोड़ना है दोस्तों सेकंड वाला से, और ये दोस्तों इस तार जोड़ के दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आपको बीच में जोड़ देना है। जोड़ दिया मैंने। और दोस्तों ये जो है दोस्तों, ये जो लाइट का है दोस्तों, ये देखो आप, ये लाइट का है ना दोस्तों, ये लाइट का जो है दोस्तों आप यहाँ से जोड़ देंगे, साइड से जोड़ देंगे। ये जो दोस्तों लाइट का, ये साइड में जोड़ देंगे। बस इसमें कुछ होता नहीं दोस्तों, किसी किसी में होता है दोस्तों कि जैसे ऑन की जाए दोस्तों तो लाइट जो है कम बेस नहीं होता है, है ना दोस्तों, लाइट जो है कम बेस नहीं होता है, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, तार को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको ई सेट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा। नहीं तो किसी किसी में इसको बीच वाला को इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, तो भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, वायरिंग के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, तो वायरिंग ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ये फिर से टूट गया तो उसको बाद में लगा कर देंगे दोस्तों। इसमें होता क्या दोस्तों कि मैंने देखिए दोस्तों, ये जैसे इसका प्लग डाला मैंने, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करंट आया, ठीक है दोस्तों, तो करंट आता है दोस्तों, करंट वोल्ट आया, तो वोल्ट क्या किया दोस्तों कि एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों, डायोड लगा हुआ है, डायोड से स्विचिंग करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्विचिंग कर दिया और यहीं से एक बैटरी में दे दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ से तो बैटरी तो चार्ज हो रहा है दोस्तों, ये माइनस है दोस्तों, तो माइनस को दोस्तों इस जगह दोस्तों, ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस को यहाँ यहाँ सोल्ड कर देंगे,
ठीक है दोस्तों, ये बैटरी का माइनस था, ये जो सोल्ड कर देंगे दोस्तों। और जब चार्ज में लगाते हैं दोस्तों तो इंडिकेटर भी तो करेगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो ये एलईडी दिया हुआ है रेजिस्टेंस लगा के, तो दोस्तों एक माइनस से है एक रेजिस्टेंस लगा के दे दिया दोस्तों, तो ये जो एलईडी लग जाएगा। और लाइट तो दोस्तों ये लाइट तो लाइट का तो प्लस माइनस होता है दोस्तों, है ना, इसका तो माइनस तो ये जगह डायरेक्ट डाला हुआ है, और एक प्लस जो स्विचिंग किया हुआ है ताकि यहाँ वॉल्यूम से कम बेस हो सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस तरह का वीडियो जो है पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी और कुछ होगी मतलब कुछ के बारे में वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।